अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं CS403 के लेक्चर नंबर 10 को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें डिटेल्स में पढ़ते हैं इसमें क्या कुछ है। मिनिमल कार्डिनलिटी, इसमें क्या हम लोग कार्डिनलिटी पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 9 में, इसमें फर्दर हमने आगे 10 में भी कार्डिनलिटी ही है तो इसे हम पढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, मिनिमल कार्डिनलिटी क्या है। डिटरमाइन व्हेन एवर द लिंक इज कंपल्सरी आर ऑप्शनल, इसमें क्या करना है आपने डिटरमाइन करना है। डिटरमाइंस व्हेन एवर द लिंक इज, क्या डिटरमाइन करना है, लिंक इज कंपल्सरी है। ये जो लिंक है, जो भी हमने लिंक करना है, जो भी हमने मैंने आपने पढ़ा था कार्डिनलिटी में, क्या करते हैं लिंक करते हैं बिटवीन टू चीज़ों को, तो वो उसको कंपल्सरी है करना है या ऑप्शनल है। वो कंपल्सरी है या ऑप्शनल है। इम्पोर्टेंस सिंस इफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन, और जो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ये इफेक्ट करेगी इम्प्लीमेंटेशन पे, जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसमें क्या इफेक्ट ये इफेक्ट्स करेगी। अच्छा, कार्डिनलिटी की एग्जांपल जिस तरह हमने पढ़ी थी, दोबारा ये आ गई कार्डिनलिटी की एग्जांपल। ये क्या स्टूडेंट और बुक, अब ये क्या है, ये एक रिलेशन है ना, इसमें ये लिंक आ रहा है, रिलेशन है इनका एक, तो क्या है जी इसमें, ये एसटीडी स्टूडेंट जो है ये बुक के साथ इसका रिलेशन है ना, जो हमने पढ़नी होती है बुक्स। अब हम CS403 पढ़ रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये बुक है, और स्टूडेंट कौन है, हम है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर रिलेशन है ना स्टूडेंट और बुक का, ये वही बात हो रही है कि इनका रिलेशन होता है, ये एक मिनट में लिंक करते हैं। अच्छा, अब नीचे देखते हैं एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट का लिंक है जी, बिल्कुल है जी, एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट का भी लिंक होता है, जो एम्प्लॉयज है वो प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। स्टूडेंट और कोर्स, जी बिल्कुल, स्टूडेंट और कोर्स का भी लिंक होता है जी, और स्टूडेंट और हॉबीज़ का भी, ठीक है। ये देखिए इस तरह आप एग्जांपल देनी है, 3-4 एग्जांपल, किसका किसके साथ लिंक होता है, क्या क्या किसके साथ क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट का बुक के साथ रिलेशन होता है, लिंक होता है। एम्प्लॉयज का प्रोजेक्ट के साथ होता है, स्टूडेंट का कोर्स के साथ, स्टूडेंट का हॉबीज़ के साथ होता है। अदर नोटेशन क्या है जी, स्टूडेंट का बुक के साथ होता है, स्टूडेंट का हॉबी के साथ होता है, और प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज, ये जी वही बात होगी कि ये बिल्कुल इनके साथ लिंक होता है। देख रहे हैं स्टूडेंट का लिंक है जी बुक के साथ, फिर स्टूडेंट का लिंक है हॉबी के साथ, हॉबी का लिंक है स्टूडेंट के साथ, फिर एम्प्लॉयज का लिंक है। अभी देखें इधर, देखें सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, इधर दो, अभी क्या स्टूडेंट का बुक के साथ है, बुक का स्टूडेंट के साथ नहीं है। हॉबी का क्या नाम है, स्टूडेंट के साथ है, स्टूडेंट का भी हॉबी के साथ हो सकता है। अच्छा, प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय के साथ है और एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है। देखें स्टूडेंट का हॉबीज के साथ, इस तरह मैं कह रहा था कि ये लिंक है। इसमें भी देखें एरोस को देख लें आप, ये चीज़ें सिंपल्स, ये सिंबल हमने पढ़े थे पिछले लास्ट लेक्चर में, ये सिंबल किस तरह ये क्रिएट होते हैं, किस तरह ये सिंबल्स इसको डिफाइन करते हैं। फिर ये आगे देखें वन, और ये देखें स्टूडेंट वन, इसको कॉल दिया है, टास्क दे दिया, और बुक को एम दे दिया टास्क, की दे दें कुछ भी आप दे दें। ये देखें हॉबीज वन, फिर आगे स्टूडेंट के साथ लिंक है, और ये मल्टी, और ये मल्टी, ये सिंगल सिंगल कॉल लें से, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे। आपने एग्जांपल देनी है समथिंग एल्स, आप इसको कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, वन ए बी सी कुछ भी, इसको भी आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें अब ये डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में चेयर होती है, बिल्कुल जी कोई चेयर होती होगी, डिपार्टमेंट में चेयर पड़ी होगी। स्टूडेंट के पास बुक होगी, ठीक है, प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज के पास होगा, और या एम्प्लॉय के पास प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, ये समझ लग रही है आपको। इस तरह ज़्यादा नोटेशन एग्जाम्पल दी हुई है। रूल्स इन रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप के रूल्स क्या हैं, डिटरमाइन द रोल, रोल ई टी एस क्या एंटिटीज़ है, रोल डिटरमाइन द रोल्स ऑफ एंटिटीज प्ले इन द रिलेशनशिप, क्या डिटरमाइन इसका रोल्स प्ले कर, क्या प्ले करता है, इसको डिटरमाइन करना है इन ए रिलेशनशिप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जो भी टाइम होगा वो क्लियर होगा कॉन्टेक्स्ट में, लाइक स्टूडेंट एंड कोर्स रिलेशनशिप। अच्छा, अब जब भी आप कोई ना कोई वैल्यू इसमें सबमिट करेंगे, स्टूडेंट या कोर्स जो भी, तो उसका टाइम क्लियर होगा किस टाइम आपने इसको वैल्यू सबमिट की है, और स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप जिस तरह हमने ऑलरेडी डिफाइन किया यहाँ पे, क्या नाम है, ये देखें स्टूडेंट और बुक का, और स्टूडेंट का और कोर्स का, ये देख रहे हैं इनका रिलेशनशिप है। तो इसने एग्जाम्पल दी है स्टूडेंट और रिलेशनशिप की, और जो टाइम होगा वो क्लियर होगा फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, किस टाइम ये टाइम जो भी है उसका कॉन्टेक्स्ट का क्लियर होगा जिस टाइम भी हम सबमिट करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी होता है पीएचपी माय एडमिन में, मतलब कि डाटाबेस में, हमें इसी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, जब भी आप वैल्यूज सबमिट करेंगे तो टाइम उसी टाइम वो उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा करंट टाइम स्टैम्प के जरिए, ठीक है। रोल्स इन रिलेशनशिप, रोल्स इन, तो क्या टू सिचुएशन व्हेन देयर शुड बी एक्सप्लिसिटी, दो एक सिचुएशन होती हैं
जब ये एक्सप्रेस होती है एक्सप्लिसिटी शुड बी देन व्हेन दे जब ये क्या नाम है एक्सप्रेस करेंगे एक्सप्लिसिटी जब ये एक्सप्रेस होंगी तो टू सिचुएशन व्हेन दो सिचुएशन होंगी जब ये करेंगे एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटी टू एक्सप्रेस सिचुएशन व्हेन दे शुड बी एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटी वन टू वन रिलेशनशिप क्या होगी वन टू वन रिलेशनशिप होगी और टू एंटिटीज हैविंग मोर देन वन रिलेशनशिप जो दो एंटिटीज होंगी वो उनके मोर देन वन रिलेशनशिप होंगे। अब ये देख लें एग्जांपल दे दी है स्टूडेंट की रोल्स होते हैं एनरोलमेंट एनरोलमेंट बाय कोर्स क्या स्टूडेंट एनरोल हुआ या एनरोलमेंट टू या एनरोल बाय कोर्स ये तीनों हो सकती हैं ना इसमें एनरोल भी हो सकता है एनरोलमेंट भी हो सकता है एनरोल्ड बाय आगे फैकल्टी हेड बाय या एक ही हेड है या हेड्स हैं इसके ज़्यादा से ये भी इसका हो सकता है मोर देन वन है ठीक है मोर देन वन एंटिटीज हैं एनरोल्स एनरोलमेंट या एनरोल्ड बाय ये तीनों एक ही हैं लेकिन इसकी तीन डिफरेंट एंटिटीज हैं ठीक है। अब ये देखें ये एग्जांपल और दे दिए स्टूडेंट टॉक बाय टीच स्टूडेंट टीच कौन टीच कर रहा है टीचर्स फैकल्टी सुपरवाइजर स्टूडेंट सुपरवाइजर सुपरवाइज बाय अब ये देखें ये एक ही है और ये इसके डिफरेंट एंटिटीज होते हैं हम कुछ भी रख सकते हैं टॉक बाय स्टूडेंट टीच टीचर्स या कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं फैकल्टी लिख लें जो भी ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ उसकी समझ लग गई आपको। डिपेंडेंसी क्या है अ टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी रेफरेंशियल डिपेंडेंस ये आपने पढ़ लेनी है कौन कौन सी है टाइप ऑफ और एग्जिस्टिंग डिपेंडेंस इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये बुक आईडी और बुक टाइटल ये बुक है और ये बुक टाइटल आईडी और बुक टाइटल इसी का नाम है आप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स और बुक कापी की भी बुक आईडी और कापी आईडी के किसकी कापी आईडी है और बुक आईडी क्या है। अब ये देखें ये दोनों सेम है और ये दोनों डिफरेंट है लेकिन हम इसको कोई भी डिफाइन कर सकते हैं कोई भी हमें जिस तरह भी हमने इसको इसको डिफाइन करना जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती होंगी। इनहांसेंस इन ईआर डाटा मॉडल क्या है जी डिफरेंट प्रपोजल्स होंगे जी डिफरेंट आप जब भी कोई भी डाटा सबमिट करेगा हर किसी का नेम अलग होगा हर किसी की वैल्यूज अलग होंगी ठीक है डिफरेंट प्रपोजल्स होंगे। मोस्ट कॉमन फीचर रिप्रेजेंट सुपर टाइप्स एंड सब टाइप जो भी इसकी मेन जो मोस्ट कॉमन फीचर है इसका जो रिप्रेजेंटेशन करता है सुपर टाइप्स और सब टाइप्स को पॉपुलर फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म इसका पॉपुलर फीचर क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म ठीक है जी। आल्सो कॉल्ड जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन सुपर और सब टाइप क्या होते हैं इसको हम कह सकते हैं जनरलाइजेशन या स्पेशल इसकी जो स्पेशलिटी है यह इसका ये कुछ कर सकता है ये इसकी स्पेशलिटीज है स्पेशलाइजेशन इसका निकाल सकते हैं। सुपर टाइप इसका जनरल एंटिटी टाइप वेयर एज सब टाइप आर द सब स्पेशलाइजेशन सुपर टाइप क्या होगी इसका जनरल एंटिटी टाइप होगी इसको जनरल एंटिटी टाइप कहते हैं वेयर एज जहाँ पे सब टाइप्स आर स्पेशलाइजेशन जहाँ पे कोई ना कोई सब टाइप्स को स्पेशलिटी भी ली गई हो ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देख लें जनरल एंटिटी टाइप्स कौन सी हैं जी स्टूडेंट हो गया एक पर्सन हो गया ठीक है। अब इस पर स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री और पर्सन में स्टूडेंट और फैकल्टी ये पर्सन में स्टूडेंट भी हो सकता है फैकल्टी भी क्योंकि पर्सन पर्सन आदमी है आदमी वो स्टूडेंट भी हो सकता है अब बंदा है क्या वो स्टूडेंट भी हो सकता है फैकल्टी भी हो सकता है लेकिन स्टूडेंट में फिर क्या होगा स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री और ये देखें स्पेशलाइजेशन एंटिटी अब इसकी क्या स्पेशलिटी है ये स्टूडेंट है इसकी क्या स्पेशलिटी है ये फैकल्टी है स्टूडेंट जिस तरह भी आप कह लें ठीक है जिसकी स्पेशलाइजेशन स्पेशलिटी है। अब ये एम्प्लॉय है एक उसकी सैलरी होगी कितनी और हावर्स कितना काम किया है सैलरी में ग्रेड के हिसाब से और एनुअल सैलरी कितनी होगी और हावर में नंबर ऑफ हावर या हावर रिलेट कितना देना है ठीक है। अब ये इसकी स्पेशलिटीज़ है सैलरीज में कितनी एनुअल सैलरी है कितनी ये सारी स्पेशलिटीज़ में आ जाता है ठीक है। अब पर्सन है पर्सन का क्या होगा एक आईडी होगी पर्सन आईडी होगी एड्रेस क्या है नेम क्या है ठीक है ये पर्सन की ये क्या स्पेशलिटी है क्या नेम है इसकी स्पेशलिटी होगी ना स्पेशलिटीजेशन। स्टूडेंट क्या होगा पर्सन में आगे स्टूडेंट है या फैकल्टी है स्टूडेंट में स्टूडेंट आई डी सीजीपीए कितना है क्लास नेम क्या है फैकल्टी में क्या है कि क्वालिफिकेशन कितनी और ग्रेड क्या है इसका ठीक है जी। अब ये लेक्चर 10 कंप्लीट हो गया है कोई चीज़ समझ नहीं हो तो समझ ले पूछ लेना कमेंट सेक्शन में और सिंपल सिंपल बातें हैं कि ये किस तरह ये इसको रिलेशन करता है अब ये पर्सन का ये रिलेशन ही है ना ये एड्रेस रिलेशन आई डी रिलेशन है नेम इसका रिलेशन है ठीक है। थैंक यू वेरी मच ख्याल रखिएगा अपना लाभ।